तो हमने सीखा था जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। तो जो है डिलेक्शन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और जो है थंडर बोल्ट मेथड से सीखे थे। अब जो है ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में। चारों विधि से जो है हमने जो है तीन विधि का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो उसमें लिंक को जो है सर्च करके तीनों विधि वाला जो है सीखे। ये है चौथा विधि। जिस तरह आप चारों विधि को जो है एक के बाद एक के बाद लिंक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत सारा जो है शेयर कीजिए दोस्तों। दो विधि से चार विधि से हमने तो तीन विधि बता चुके हैं दोस्तों, तो ये हमारा चौथा विधि, चौथा मेथड है। फोर्थ मेथड है जो है ग्राफिकीय, जो है ग्राफिकल मेथड है, यानी ग्राफीय विधि। तो तीन विधि से जो हमने बताया था जो है, तो इस वीडियो में तीनों का जो है लिंक दे दूंगा, तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीनों को जो है बारी बारी से देखिए जो है। तो हमने जो है चार विधि से जो है बताया, जैसे कि स्क्रीन पर देखे थे, तो चार विधि से जो है मैंने बताया। चलिए चौथा विधि हमारा है ग्राफी, यानी ग्राफिकल मेथड। तो ये भी जो है तो सबका उत्तर उतना ही आता है। तो चलिए ये हमारा है इक्वेशन नंबर वन और ये है जो है हमारा इक्वेशन नंबर टू। तो इसमें करते क्या है कि या एक्स को और वाई का मान जो है निकाल लेते हैं। चार विधि में जो है चौथा विधि है, तो ये क्या करते हैं कि हम जो है कि ये जो है हम निकालते हैं किसका मान, एक्स और वाई का मान जो है, एक्स जो है बॉक्स बना लेते हैं और जो है उसके हिसाब से जो है हम अपना मान रखते हैं, या ऐसे करते हैं इसको कि एक्स और वाई का ऐसा मान हो ताकि जो है पांच आ जाए, यानी जो दायां पक्ष बायां पक्ष ये लचस अलचस बराबर हो जाए, चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकेंड इक्वेशन हो। तो दोनों जो है पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड बोथ एक्स एंड वाई इक्वल एल एच एस एंड आर एच एस इज इक्वल, आर इक्वल आर इज इक्वल, यानी दोनों बराबर हो जाए। तो चलिए, तो हमने जो है एक्स का मान जीरो रखा है, वाई का मान जो है माइनस फाइव रखा गया है। और एक तरीका भी है, तो ये जो है हम एक्स को एक तरफ कर देंगे या वाई को एक तरफ कर देंगे। अगर y को एक तरफ करेंगे तो y का मान रखने पर ये इधर वाला भी बराबर हो जाना चाहिए, या तो डायरेक्ट आप एक्स वाई का मान इसमें ऐसा रखें कि दोनों और पांच आ जाए, यानी दोनों और बराबर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप जो है y को एक तरफ कीजिए या x को एक तरफ कीजिए। तो करने के बाद जो है y का जो मान रखेंगे उधर इतना भी आना चाहिए। जैसे जीरो रखे है तो ऋण पांच यहाँ रखेंगे एक्स के पास, तो अभी जो है ऋण पांच जो है यहाँ पर जो है वाई का मान रखेंगे ऋण पांच और एक्स का मान जो है जीरो, यहाँ पर जो जीरो है ये जीरो रखेंगे एक्स के पास, तो ऑटोमेटिक जो है दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह बारी बारी से वन और जीरो ले लिए है और इस प्रकार जो है बारी बारी से रख के चेक करेंगे, या तो इसमें रख के चेक कीजिए ना तो ये इसमें रख के चेक कीजिए, दोनों जो है आपका जो ऑप्शन है। इसी तरह दूसरे वाले समीकरण का भी है, या तो एक तरफ कर दीजिए या तो जो है इसी में रख सकते हैं, पहला में ही ऐसा एक सवाई का मान लीजिए ताकि तीन आ जाए, ठीक है। तो हमने जो है ये और ये मान प्राप्त किया है, हम पहले से ही ऑलरेडी काउंट कर लिया है ताकि जो है ज्यादा समय ना लगे, आप जो है रिवाइज के माध्यम से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो पहला हमारा स्टेप हो गया ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में ये पहले काम करते हैं कि एक्स और वाई के मान हम निकाल लेते हैं सारणी बना करके, ठीक है। तो सारणी नंबर हमारा ये जो है वन है, और पहला समीकरण से सारणी नंबर वन हो गया और दूसरा समीकरण से सारणी नंबर ये हमारा साड़ी वन हो गया, ये हमारा साड़ी टू हो गया, ठीक है। तो साड़ी वन साड़ी टू बना लेंगे इक्वेशन, और यही जो साड़ी जो है देख रहे हैं जीरो माइनस फाइव, जीरो माइनस
ये जो 0-5 है, तो ये जो है 0-5 जो हमारा है, तो ये वाला जो है एक जगह ले लेंगे और ये वाला जो है मान जो इसको बिंदु में ले लेंगे एक्स वाई, तो 0-5 जैसा कि देख रहे हैं 0-5 और जो है जो भी चीज हो यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो यहाँ पर जो है हम बारी बारी से जो है ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है ये वाला ले लिया है मान, वही चीज जो है जहाँ से एक्स वाई का मान हमने यहाँ देख रहे हैं 0 और -5 1 0 2 0। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला जो है ले लेंगे। ठीक है, अब यही मान जो है चतुर वो जो है क्या बोलते हैं ये जो है मान जो है एक्स वाई के पदों में जो है बिंदु ना ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो है हम ले लेंगे। अब जो है इसी को जो है हम समझेंगे, इससे पहले कि समझने के लिए जो है हम यहाँ एक चीज दिखाना चाहेंगे, निर्देशांक के ज्यामिति पढ़ेंगे, उसके लिए पहले इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले जो है यहाँ पर जो है चतुर्थांश को समझते हैं यानी क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जो है इसके लिए जो है पढ़ते क्या है, यहाँ पर देख ले पहले वाले भाग को जो है हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, आ इधर वाले साइड को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर देखेंगे तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसको जो है समझना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा तृतीय हो गया और हमारा ये चतुर्थ जो है यानी फोर्थ जो है क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, चौथा चतुर्थान। तो अब ये सिंबल क्या होता है, तो फर्स्ट में प्लस प्लस और इसके जो है एकदम तिरछे जो आएंगे तो माइनस माइनस चिन्ह होता है। ठीक है, यानी इसके जो है ठीक इसके जो है तीसरा में फर्स्ट और थर्ड में जो है सेकेंड दिनों एक के जैसा सिंबल यानी प्लस प्लस, तो इसमें माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर माइनस हो गया, इसमें से प्लस हो गया, इसमें से जो है प्लस हो गया, इधर से माइनस हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो याद रखे या ना रखे हम आसानी से जो है चित वो जो है निर्देशांक जो है आसानी से बना सकते हैं याद रख, लेकिन ये समझना है कि प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर जो है बिंदु बिंदु जो होता है मूल बिंदु कहा जाता है, 0-0 को जो है मूल बिंदु कहा जाता है। तो चलिए जो है अब समझते हैं यहाँ पर कि कैसे करना है। तो हमने बिंदु प्राप्त कर लिया है सारणी से, अब हम इनको जो है जितना होगा उतना हम बनाएंगे। तो पहले जो है यहाँ पर देखिए ये एक्स होता है ये वाई होता है, ये एक्स होता है ये वाई होता है, ये जो है निर्देशांक ये एक्स वाई, हर किसी में जो है एक्स वाई होता है, सब में एक्स वाई होता है, तो अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्स वाई जो है, तो पहला वाला समीकरण में हमारा ये है, तो पहले जो है हम चाहे किसी को भी ले सकते हैं 2-5 या 1-0 या 0-5। ठीक है, यहाँ 0-5 है, तो ये चाहे पहला बनाओ चाहे दूसरा समीकरण का बनाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम 0-5 बनाते हैं। तो 0 कहाँ होता है, किसमें बनाना है, पहले एक्स वाला है, ये है वाई जो है -5 चाहिए, तो माइनस वाई जो है कहाँ रहता है ये ध्यान देना है। ठीक है, इसको थोड़ा और जो है जूम इन करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जूम इन करते हैं ताकि फुल दिखाई दे। तो यहाँ पर जो है हम जो है बना दिए हैं 0 और हमारा यहाँ पर जो है बन जाएगा, एक बात का ध्यान देना यहाँ पे कामा रहेगा, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग निर्देशांक है, अलग अलग निर्देशांक में हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है एक्स और वाई का मान जो है रखेंगे, ये जो होता है एक्स वाई होता है। ठीक है, ये जो है पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, ये निर्देशांक होता है। तो चलिए जो है एक्स वाई का मान
पहला या दूसरा समीकरण के जो है बिंदु है निर्देशांक बिंदु, तो इनको हम यहाँ पर जो है ग्राफ पर दर्शाएंगे। हालांकि ये जो है काम चलाऊ है, मैंने वैसे दिखाने के लिए बताएंगे, ग्राफ पर भी इसको आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों। तो पहले जो है हमारा x का मान जो है 0 है, और ये देखिए y का मान जो है -5 है, ठीक है। तो y का मान -5 है, और यहाँ पर जो है कैसे जानेंगे कि कौन ऋण वाला होगा, तो x वाला जो है पहले x वाला होता है, दूसरा y वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया है, ये x अक्ष धन वाला होता है, ये y धनात्मक होता है, ये वाला दोनों जो है ऋण ऋण होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, हमारा जो है अच्छी बात ये है कि हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो जीरो, तो जीरो कहाँ पड़ेगा, बताए थे मूल बिंदु यहाँ जीरो जीरो होता है, एक्स का जीरो यही पर हो गया, और ऋण पाँच वाई का, तो वाई कहाँ है, नीचे है, देख रहे हैं नीचे यहाँ पर। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 5 बना लेंगे, ठीक है। तो 0 5 हमारा 0 ऋण 5 जो है यहाँ पड़ गया, ठीक है। और बनाते 1 0, एक किसका है, एक्स का है, वाई का 0, तो एक यहाँ पर एक्स का एक जो है यहाँ पर पड़ गया, और 0 जो है कहाँ पड़ गया दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्स का एक हो गया, और एक्स का एक हो गया, वाई का 0 हो गया, तो यहीं पर हो जाएगा हमारा 1 0, ठीक है, 1 0 पड़ गया, ठीक है, 1 0 यहीं पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब बनाएंगे 2 5, क्या बनाएंगे, 2 5, ठीक है। तो चलिए अब हम 2 5 का बनाते हैं, तो 2 5 कैसे बनेगा, तो 2 किसका है, तो हमने तो यहाँ पर 1 और 0 बना लिया, 1 और 0 बना लिया, यहाँ पर है 1 और 0, ध्यान देना है 1 0 पर। उसके बाद हमारा जो है 2 5, 2 कहाँ है, तो 2 किसका, x का, तो x अक्ष हमारा यहाँ है, यहाँ पर x है, ठीक है। और x के बाद जो है y का 5 गो है, गिनिए वो 2 3 4 5, तो यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। इसके सामने यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 2 हुआ, इसके सामने यहाँ पड़ा, तो ये हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। 2 5 पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, और हमारा जो है 2 5 के बाद जो है अब हम आएंगे दूसरा समीकरण में, 1 0, 1 0 यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं ताकि साफ रहे, ये जो है मिटा दीजिएगा, ठीक है, समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब जो है हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आते हैं दोस्तों, अब दूसरा समीकरण में चलिए बनाते हैं। तो अब हम बनाएंगे, 1 0 बन गया, 2 3 2 3 देख रहे हैं यहाँ पर, 2 3 है, तो 2 किसका है, एक्स का, यहाँ पर 2 पड़ा, और 3 ये जो है वाई का हो गया, ठीक है। तो 3 जो है 2 3 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले वाला समीकरण को पहले बना लेना है, ठीक है, रेखा खींच देना है, जो हमारा पहला कौन है 0 ऋण 5, तो 0 ऋण 5 यहाँ है, ठीक है। अब हम इनको जो है खींचेंगे, ठीक है, खींचेंगे यानी कि हम अपना जो है पहले खींच लेते हैं, तो 0 5 है, फिर हमारा यहाँ है, मिलान कर लेंगे, फिर जो है 2 5 है, तो यहाँ से जो है सीधी रेखा खींच लेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे, अभी हमारा इसमें बाकी है 0 ऋण 3, 0 एक्स का हो गया, 3 वाई का हो गया, यहाँ पड़ेगा 0 ऋण 3। तो इस प्रकार जो है इसको भी मिला देंगे, ठीक है। तो इनको मिलाने पर हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा फिगर बन गया। तो ऐसा फिगर बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है एक्स का और वाई का जो है कटान बिंदु जो है 1 और 0 है, यानी यहीं पर जो है 1 0 कट गया है,
यहीं पर जो है यही हमारा मान जो है क्या होगा, एक सौरवाई का मान होगा। ये इस प्रकार दोस्तों एक सौरवाई का मान जो है कटान बिंदु, दोनों जो है समीकरणों का जो है कटान बिंदु होता है। पहला समीकरण बनाने के बाद जो है, पहला समीकरण बनाने के बाद दोस्त जो है दूसरे समीकरण को जो है बना करके फिर उसका जो है रेखा खींच लेंगे, और जहाँ पर कटान बिंदु होगा या क्रॉसिंग पॉइंट, यहाँ पर जहाँ बिंदु कट जाता है वह पॉइंट हमारा ही एक्स और वाई का मान होता है। तो इस प्रकार भी जो है चार विधि से हमने समीकरण सीखा। और भी जो है रिवाइज के लिए हम क्वेश्चन बैक डिस्क्रिप्शन में हो सकता है दे देंगे, न तो फिर इसके लिए अलग से जो है वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।